8400 400 400। जी हाँ, आप इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यदि आप मैथ के क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ते हैं और डाउट्स आते हैं तो ये डाउट्स के सोल्यूशन आपको मिलेंगे सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको इस व्हाट्सएप नंबर को जो है सेव कर लेना है, उसके बाद चैट ओपन करना है। चैट ओपन करने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हों उनको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप क्लास 6 से 12 आईटी, नीट्स या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो देर किस बात की, आप तुरंत इस नंबर को सेव करिए और अपने क्वेश्चंस भेजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे यूपी टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और यहाँ पे पीजीटी का इंटरव्यू भी शुरू हो चुका है। आपको पता है कि इसका जो पीजीटी का रिजल्ट आया था, तो मैंने बताया था कि इसका इंटरव्यू होने वाला है, जल्द से जल्द होगा। तो दोस्तों, आपका जो पीजीटी का इंटरव्यू होने वाला है वह 5 तारीख से यहाँ पे जो है शुरू हो जाएगा, 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स के जो है इंटरव्यू हैं, वह जाइएगा टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे इंटरव्यू वाला वीडियो पड़ा हुआ है, कैसे इंटरव्यू होता है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें इस वीडियो में हम मेनली ये जानेंगे कि यूपी टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका यह साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू चलने वाला है पीजीटी का, वह 20 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें कि जो है 12 विषयों का जो है यह इंटरव्यू लिया जाएगा। 12 विषयों का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो अब यह बात आती है कि इंटरव्यू तो इनका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आखिर पीजीटी का तो रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू भी चलने लगा, लेकिन टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, आपको पता है, मैंने कितनी भी बार बता चुका है कि यहाँ पे 31 अक्टूबर तक इनको फाइनल रिजल्ट देना है टीजीटी और पीजीटी का साथ में, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी का जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन पीजीटी का जो है फाइनल इंटरव्यू जो होगा वह 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मतलब यह है कि पीजीटी का जो ये रिजल्ट बनाएंगे वह 20 से 30 के तारीख के मध्य निश्चित तौर से पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक टीजीटी की बात है, तो टीजीटी का रिजल्ट निश्चित तौर से आपको 15 से 20 अक्टूबर के मध्य देखने को मिल सकता है, या तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि टीजीटी का रिजल्ट फाइनल पीजीटी के रिजल्ट के साथ आए। पीजीटी का जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, हो सकता है उसके साथ ही टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर 15 से 20 अक्टूबर के मध्य निश्चित तौर से आपको जो है आपका टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 31 तारीख तक ये सभी प्रक्रिया फाइनल करा देना है। यह जो है यहाँ पे आर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो कोर्ट के आर्डर को ये सब मानेंगे और निश्चित तौर से जल्द आपकी जो है रिजल्ट को जारी किया जाएगा। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बता दिया था। आप जाइए टीजीटी प्रीलिम्स प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसी के नियर अबाउट कट ऑफ जाएगा। उससे हाई ही जा सकता है, उससे लो जाने के चांसेस बहुत ही कम है, जितना मैंने बताया जाके देख लीजिए, ठीक है। यदि आपके जो है उतने नंबर आ रहे होंगे तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी, तब तक लीजिए। जय हिंद, जय भारत।